तो ध्यान से देखो क्वेश्चन हम क्या दिए हैं कि फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू एट पॉइंट बी. दिस इज द चार्ज क्यू एंड दिस इज द पॉइंट पी वेयर वी वांट टू फाइंड पोटेंशियल. जहां पर हम लोग क्या करना है, पोटेंशियल निकालना. ध्यान से देखना, इस चार्ज के कारण हमको इस पॉइंट पी क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है. ये कैसा चार्ज है, व्हाट काइंड ऑफ चार्ज इट इज, पॉजिटिव है. ओके, पॉइंट चार्ज है. कैसा चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, बालू के कण के तरह एक चार्ज है. क्या मेरा बात समझ में आया? तो हमको इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है. अच्छा, क्या क्या दिया हुआ है, पॉइंट चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम. बहुत अच्छा. ये पॉइंट चार्ज जिस पॉइंट पर लोकेटेड है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0.3, और ये पॉइंट भी जहां पर लोकेटेड है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5.0. बात समझ में आ गया? ये तो क्वेश्चन में दिया, तो जो तुम बता रहे. लेकिन अब मेरा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए सर्टेन डिस्टेंस आर. तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे कि हम लोग, हमने को पता है कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो होता है k q by r. और हमको इस फॉर्मूला में क्या क्या पता होना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि q is always taken with proper sign. एंड व्हाट इज r, r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द चार्ज. तो यही है डिस्टेंस ना बाबू, यानी ये डिस्टेंस तुमको निकालना पड़ेगा. अब यहां से देखो, यहां से हमें कितना है, 3 है, यहां से हमें कितना है, 5 है, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है. सर इसमें तो पाइथागोरस लगाएंगे, आप पाइथागोरस 11 में है, फिजिक्स का सवाल में पाइथागोरस कहां से. तो सवाल बनाने के लिए आपको फॉर्मूला एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ये पता चल गया जिसमें क्यू चार्ज है ये दिया हुआ है, लेकिन आ दिया हुआ है क्या, डायरेक्टली दिया हुआ है क्या, इनडायरेक्टली दिया हुआ है. इनडायरेक्टली तुमको निकालना पड़ेगा, और ये चीज तुम्हारे बैकग्राउंड नॉलेज से पता चल जाएगा कि तुमको आर निकालने आता है या नहीं निकालने आता है. तो आर हम यहां से यहां तक निकाल लेंगे. ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 34. ये जो तुम लोग पूछ रहे थे सर कहां से आया 34, यहां से आया 34. अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, k का वैल्यू k ही रहने देते हैं, q का वैल्यू 2 माइक्रो कूलम दिया हुआ है, और 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू होता है 10^-6 कूलम. तो हम इसको लिख दें इनटू 2 इनटू 10^-6 कूलम डिवाइडेड बाय नीचे में r, कितना आया, r आया √34. आप देखो ध्यान से, हम जितना भी फिजिकल क्वांटिटी यहां पर रखे हैं वैल्यू, k का वैल्यू नहीं रखे हैं, क्यू का वैल्यू रखे एसआई यूनिट में रखे, कूलम में रखे, आर का एसआई यूनिट मीटर होता है मीटर में रखे, तब इसका यूनिट जो आएगा वो क्या आएगा, वोल्ट होगा. क्या होगा, वोल्ट होगा. समझ में आया, ध्यान से देखो, इसमें भी तुमको इस पॉइंट चार्ज के कारण, लेकिन ये माइनस चार्ज दिया हुआ है, ये -2 माइक्रो कूलम दिया हुआ, और ये पॉइंट का लोकेशन है. अब 3.4 पे, तो ध्यान से देखो क्या ये 4 है, क्या ये यहां से यहां तक 3 है, क्या ये 90 डिग्री है, क्या ये हाइपोटेन्यूज है, और क्या ये 5 है, क्योंकि रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5. यानी अब इसके लिए फॉर्मूला हम लिखेंगे v इज इक्वल टू k q by r, और k का वैल्यू k ही, q का वैल्यू -2 × 10^-6, बिकॉज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ q इज टेकन ऑलवेज विद प्रॉपर साइन. If it is positive, then put the positive value. If it is negative, then put the negative value. That's why I have given you this question. This question is very basic, but it explains you how to use the formula V is equal to KQ by R. V is the potential due to point charge Q, and Q is the charge, point charge, where the value of Q is taken with proper sign. If it is positive, then you take it as it as positive. If it is negative, then take it as negative. And what is R? R is the distance of the point from the charge for which you want to find potential at that point. आप जिस charge के कारण जिस point पे potential निकालना चाहते हैं, उस दोनों के बीच का दूरी होता है R. उस दोनों के बीच का दूरी होता है R. उसके बाद application है. क्या यहाँ गणित नहीं लगा? क्या यहाँ mathematics नहीं लगा? तो बायोलॉजी का स्टूडेंट बोलता है कि हमको फिजिक्स समझ में नहीं आता. कहां समझ में आएगा, क्योंकि बायोलॉजी का पहले बोल लेता है कि मेरा तो बायोलॉजी, हमको मैथ से कोई लेना देना नहीं.
समझ में आ रहा आपका? तो ध्यान से देखो, इसको लिख दिया k into 10 to 2 minus 2 into 10 power minus 6 divided by r, r सवाल कितना भैया 5 है, और यूनिट क्या होगा, यूनिट वोल्ट होगा। ध्यान रहे यूनिट वोल्ट आप तभी लिख सकते हैं जब आप सारा फिजिकल क्वांटिटी ऐसा यूनिट में डाल रहे हैं। जैसे अगर हम यहां पर लिखते, ध्यान से देखना, ये वाला चीज बता रहा है, ये वाला चीज बता रहा है, ये वाला के, कि अगर हम लिखते v बराबर k into 2 माइक्रोकूलम में लेते थे 2 डिवाइडेड बाय r का वैल्यू 5 पुट करते, तब आप यहां वोल्ट नहीं लिख सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं कि आप यहां वोल्ट लिखते हैं, इसको लिखते हैं जब आप झूठ भी, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो आप 2 वाला वैल्यू जो डाले हैं चार्ज का, वो ऐसा यूनिट में नहीं है। इसीलिए अगर हमको पता होता है कि ऐसा यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल का वोल्ट होता है, तो वोल्ट हम तभी लिखते हैं जब उसके अंदर जितना भी टर्म है वो सारा फिजिकल क्वालिटी किसमें लिखा हो, ऐसा यूनिट में लिखा हो। सिंपल क्वेश्चन था, फिर भी नहीं बना, आशीष बना दिया, बहुत अच्छा। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी। एक्चुअली यू आस्क टू फाइंड नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी। वी वांट टू फाइंड मेन नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी। हमको टोटल पोटेंशियल पी पे निकालना है, और दो चार्ज दिया हुआ है, एक माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है, एक प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा जीरो, इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो, इसका कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा आर। तो सबसे पहले ये क्यू चार्ज कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, यानी पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगेगा। इतना आइडिया तो लग गया पॉइंट चार्ज को देख के कि पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगेगा। ध्यान से देखो यार, तो अगर हम बोले कि पोटेंशियल हम लिख रहे हैं किसके कारण, पोटेंशियल लिख रहे हैं प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल लिख रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है के Q by R is equal to K का वैल्यू, तो K ही हो गया, और Q का वैल्यू Q ही दिया हुआ, तो Q ही हो गया। अब बच गया डिस्टेंस, तो ध्यान से देखो, R जो होता है वो डिस्टेंस होता है जिस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं, तो उस चार्ज से उस पॉइंट का दूरी कितना है, दैट इज कॉल्ड R। तो ये है R, और डेफिनेट से हमको दिख रहा है कि ये वाला वैल्यू स्मॉल r है, ये वाला वैल्यू a है, तो डेफिनेट सा बात है कि ये रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। तो मेरे लिए तो ये हो गया KQ डिवाइडेड बाय R का वैल्यू रूट अंडर स्मॉल r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से हम इस माइनस चार्ज के लिए अगर कैलकुलेट करें, इस माइनस चार्ज के लिए कैलकुलेट अगर करें, तो इसके लिए डिस्टेंस ये वाला होगा, और ये डिस्टेंस फिर से वही होगी कि ये डिस्टेंस जो है वो a है, और ये डिस्टेंस r है, यानी ये वाला वैल्यू जो होगा वो होगा रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लेकिन जब हम पोटेंशियल लिखेंगे ड्यू टू माइनस क्यू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। और अगर हम वी माइनस क्यू लिख रहे हैं, इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। सो दिस इज इक्वल टू फॉर्मूला के क्यू बाय आर, फॉर्मूला तो के क्यू बाय आर होता है, इज इक्वल टू के का वैल्यू की, और क्यू का वैल्यू इस बार माइनस क्यू दिया हुआ है, सो वी विल पुट माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर, आर आर वही है तुम्हारा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी वैल्यू आ गया माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम तो अलग अलग पोटेंशियल निकालिए, लेकिन अपने को पूछ रहा नहीं, अपने को अलग अलग पोटेंशियल नहीं चाहिए, अपने को नेट पोटेंशियल चाहिए इस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी पे नेट पोटेंशियल चाहिए, टोटल पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल चाहिए। नेट पोटेंशियल इज व्हाट, तो आप क्वेश्चन आता है कि नेट पोटेंशियल कैसे निकाले सर, हम तो अलग अलग चार्ज के कारण निकालने आता है, हमको पॉइंट चार्ज के कारण निकालने आता है। वी नो हाउ टू फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, सो आई कैलकुलेटेड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज फॉर बोथ पॉइंट चार्ज, वी प्लस क्यू दैट इज के क्यू बाय आर, दैट इज के क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली फॉर माइनस क्यू, this is minus aq under root r square plus a square. Now I am asking you what kind of potential is the physical quantity. What kind of physical quantity potential is? Scalar or vector? Physical quantity, vector quantity, ये बोला vector quantity या scalar quantity? Scalar. So, अब हम उनको बता रहे हैं ध्यान वाला बात, ध्यान से समझना। पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है भैया, पोटेंशियल अपना स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। और क्या स्केलर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है? यस सर। क्या स्केलर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है? यस, स्केलर कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। रिमेंबर फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, क्या फ्लक्स कभी नेगेटिव नहीं आया था कैलकुलेशन में?
तो फ्लक्स भी निगेटिव, फ्लक्स भी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, और ये पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और यहां तो हम बोले थे, आप एक इंफॉर्मेशन दी है कि पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कनेक्ट करना सीखो, कनेक्ट करना सीखो तब आसान लगेगा फिजिक्स। इसके पहले हम फॉर्मूला बताए थे जी इक्वल टू के क्यू बाय आर, जहां पर हम बोले थे कि क्यू को ऑलवेज सेकंड विद प्रॉपर साइन, यानी करने का मतलब अब हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, सपोज देयर इज अ चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, सपोज आई एम ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड आई इफ आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज द पोटेंशियल एट अ सर्टेन पॉइंट एट एनी लोकेशन इन द स्पेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। इफ आई एम नेगेटिवली चार्ज बॉडी देन पोटेंशियल ड्यू टू माई चार्ज, माई ओन चार्ज एट एनी पॉइंट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। सो दिस चार्ज इज, this charge is negative charge, that's why for this charge at this point we will get negative potential, this is the negative potential, this charge is positive charge and the, due to this charge at this point we will get positive potential, so I calculated kq under root r square plus r a square, so this is the positive potential। naya concept, aur ek concept add karte hain, humko to sir keval yahi pata tha ki how to find potential due to a single charge, lekin yahan to do aisa charge, to hum bole pehle alag alag nikalna hota hai, kaha sir aata hai, तो पहले अलग अलग निकाल लो, क्या अलग अलग निकालने में कहीं कोई दिक्कत है, बहुत जल्दी से नहीं। अब हमको टोटल के कारण निकालना है। अब अगर हम तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे, स्केलर्स, स्केलर वेक्टर जो होता है ऑलवेज फॉलोज स्केलर सम, स्केलर स्केलर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज ऑलवेज फॉलोज स्केलर सम, स्केलर सम हमेशा किसके सम को बोला जाता है, स्केलर सम को। फिजिक्स में कितना सम होता है टोटल, कितने तरह का सम होता है फिजिक्स में, कौन कौन, स्केलर सम, वेक्टर सम, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर सम को फॉलो करता है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर सम को फॉलो करता है। तो हम तुमसे पूछे, अगर तुम ये बात समझ गए, इस बात से सहमत है, कन्विंस है कि हाँ सर स्केलर क्वांटिटी स्केलर सम को फॉलो करेगा, इसका मतलब यू मस्ट नो अबाउट व्हाट इज स्केलर सम। तो हम तुमको बोल दे कि तुम 11th स्टार्ट करने से पहले, फिजिक्स पढ़ने से पहले आज तक जितना भी जोड़ घटा किया है सब वो स्केलर सम था। 1 में 2 को जोड़ना 3 हो गया, 1 में 2 को घटाना -1 हो गया, दिस इज कॉल्ड स्केलर सम व्हिच यू हैव स्टडी अप टू 10th क्लास। आपने जो भी कैलकुलेशन 10th क्लास तक किया है एडिशन सबट्रैक्शन का, दैट इज कॉल्ड स्केलर सम। क्या मेरा बात से आप सहमत हैं, समझ में आ रहा आप क्या कह रहे हैं? तो ये स्केलर क्वांटिटी ये स्केलर सम को फॉलो करेगा, इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे भैया। तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए, नेट डी नेट टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हम इंडिविजुअल पोटेंशियल का क्या करेंगे, स्केलर सम, स्केलर सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल, इंडिविजुअल पोटेंशियल, इंडिविजुअल पोटेंशियल, सो दैट इज इक्वल टू जीरो, because this is plus and this is minus, so the net potential is zero, net potential is zero। bola question bahut aasan tha na, question bahut aasan nahi nahi tha। ab sunna mera baat dhyan se, isi arrangement ko dipole bola jata hai, isi arrangement ko kya bola jata hai, dipole bola jata hai, aur ye jo axis hai na ye plane samjho, ye plane ek plane hai jo ki is dipole ke length ko yahan se yahan tak ka dipole ka length kehlata hai, samajh mein aa raha hai, isi structure ko hum log dipole bolte hain। और इसका जो लेंथ है वो कितना है, देखो यहाँ ए है, यहाँ ए है, यानी टोटल कितना है 2a है, और ये लाइन क्या कर रहा है, ये प्लेन है, प्लेन, ये प्लेन दोनों को बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेन, कौन सा प्लेन, इक्विटोरियल प्लेन। और आगे चलते जब हम डाइपोल पढ़ाएंगे तो वहां पर हम बताएंगे कि इक्विटोरियल प्लेन पे डाइपोल के कारण पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। तुम इस पॉइंट पे निकाल, इस पॉइंट पे निकाल, फिर से पोटेंशियल क्या आएगा, फिर से पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो। तो आगे कंसेप्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, एट द इक्विटोरियल प्लेन ऑफ एन डाइपोल पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज जीरो, सो दिस इज सेड टू बी इक्विपोटेंशियल सरफेस, हर जगह पोटेंशियल सेम है, इक्वी मतलब बराबर, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, तो सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन अब इस क्वेश्चन को क्यों लिए, ताकि हम तुमको समझा सके कि स्केलर क्या होता है और स्केलर किस सम को फॉलो करता है, और हमको नेट पोटेंशियल अगर निकालने बोला जाए तो कैसे निकालते हैं। जब भी किसी भी स्केलर क्वांटिटी का नेट निकालने के लिए बोलेगा, आप कुछ मत कीजिए, आप इंडिविजुअल निकालिए और उसका स्केलर सम कर दीजिए, यू विल ऑलवेज गेट एग्जैक्ट आंसर।
क्या मेरा बात समझ में आ रहा है जो हम कहना चाह रहे हैं? जो हम कह रहे हैं क्या वही बात दिमाग में भी जा रहा है? जा रहा नहीं जा रहा? क्वेश्चन आसान था, बहुत आसान था, लेकिन हम तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं इतना छोटा छोटा क्वेश्चन देखिए। दिस इज व्हाट, दिस इज डाइपोल, दिस इज व्हाट, दिस इज डाइपोल। आगे चलकर हमको बताएंगे इसको डाइपोल करते हैं, इस अरेंजमेंट को डाइपोल करते हैं। जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज दोनों का वैल्यू सेम हो और दोनों के बीच में कुछ फाइनाइट डिस्टेंस हो तो ये डाइपोल फॉर्मेशन कहलाता है। तुमको नहीं पता है लेकिन हम बता रहे हैं ये डाइपोल है। लेकिन हम क्वेश्चन देने से पहले तुमको बोले क्या ये डाइपोल है? क्योंकि अगर हम बोल देते डाइपोल तो आधा काम तो ऐसे निकला, डाइपोल सर पढ़ाई नहीं है। अरे डाइपोल इज नथिंग, इट इज अ सिंपल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज व्हेन सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस इट फॉर्म्स डाइपोल। दिस इज डाइपोल। You don't know how to find potential due to point charge plus q. You don't know how to find potential due to minus charge minus q. If you know, you can find potential due to dipole. Because dipole consists of two equal and opposite charges. So to find the potential of dipole, first find potential due to plus q, then find potential due to minus q, then add them. You will get the net potential due to dipole. So this is the net potential of dipole. But right now this is question for you. Simple. This is only question for you. But the concept says this is called dipole, which you will go through in the next classes, next upcoming classes. क्या मेरा बात समझ में आया? क्या potential को इस तरह से समझने की कोशिश करता है? चलो ठीक।